Wait, bro. Oh, bro, you see, he fired. भाई ये लाइव आप देखिए तालिबान के जो कमांडोज हैं। आप तालिबान से हैं? हाँ। आई लव यू को रोका अपनी गन तक। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। मैं हूँ अंस और अभी मैं हूँ यार अफगानिस्तान कंट्री की राजधानी काबुल में। आज बामियान रीजन लोकल विलेज लाइफ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और ये सारे तालिबान के कमांडर पाकिस्तान के बॉर्डर पे जा रहे हैं वॉर के लिए। फुली ट्रेंड हथियार से पूरा लैस है तालिबान के लोग हर जगह पे। तालिबान सारी गाड़ियों पे इस तरह से आप देखिए अपना पैगाम लिखवा के रखा हुआ है की ओर हम बढ़ रहे हैं। बट भाई रोड की जो हालत है ना माशाल्लाह है, धूल मिट्टी कितनी ज्यादा उड़ रही है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि हम वाकई रेगिस्तान में ट्रैवल कर रहे हैं। मैदान वर्दक प्रोविंस में इंटर कर चुके हैं। इस तरह से तालिबान की गाड़ियां उनके लोग हर जगह कोने कोने पे दिख जाएंगे। ये सारा इलाका तालिबान का मेन गढ़ माना जाता है। तो भाई मैदान वर्दक इंटर करते ही आप देखो हर तरफ तो एक तो तालिबान की गाड़ी दिख रही है हर जगह। यहाँ पे सारी गन मशीन ऊपर लगी हुई है। काबुल से जब से हम निकले ना कुछ भी नहीं खाया, ना ब्रेकफास्ट हुआ है ना लंच, तो ऑलमोस्ट 12 बज चुका है। लंच एक साथ करने वाले हैं। तो ये कोई छोटा सा रेस्टोरेंट है यहाँ पे, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? बढ़िया माशाल्लाह। आप हिंदी थोड़ा थोड़ा बोलते हैं? थोड़ा। उर्दू थोड़ा थोड़ा? थोड़ा थोड़ा जानते हैं। कैसे हैं, कैसे हैं भाईजान? शुक्राना। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है मैदाने वर्दक का रेस्टोरेंट, तो एक टिपिकल लोकल अफगानिस्तान का जो रेस्टोरेंट होता है ना, तो माहौल जो होगा वो कुछ ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे हर इनके रेस्टोरेंट में ना बैठने का जो अरेंजमेंट होता है ना भाई, वो कुर्सी टेबल वो वाला हिसाब किताब आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे टिपिकल लोकल अफगानी तरीके से ये लोग बिठा के खिलाते हैं। आप हिंदी बोल लेते थोड़ा थोड़ा? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा हिंदुस्तान से आए, बॉम्बे से आप लोग? तो आप क्या खिलाएंगे, क्या वेजिटेरियन? चावल, आलू। चावल, आलू, बामिया, गोश्त और चाय होगी, दूध वाली चाय? चाय पत्ती? दूध वाला चाय नहीं है, चाय सादा चाय। कैसे नाम है खुराना बहुत इनसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप दूध वाली चाय यार अदरक वाली चाय ला दीजिए ना, तो बोल रहे कोई बात नहीं सादी चाय हमारे, आप सादी चाय पी लो। इस तरह का जो इनका ड्रम होता है ना गर्म पानी करके रखते हैं, फिर इसी से चाय बनाना हुआ, गर्म पानी से हाथ धुलना हुआ, पानी पीने के लिए हुआ, सब इसी में यूज हो जाता है। अफगानी खाना सादा पुलाव चटनी, अब इसको इन्होंने आई थिंक खीरा वगैरह डाल के बनाया हुआ, भिंडी और आलू की तरीदार सब्जी, रसेदार जैसे सब्जी होती है ना वैसा इन्होंने बनाया हुआ है। साथ में दे दिया हुआ भाई सलाद, इस तरह की लंबी नान होती है, कालीन वगैरह बिछा के इस तरह से ये लोग खाते पीते हैं। देखिए भाई साफी भाई तो कुछ ज्यादा ही भूखे लग रहे हैं मुझे लग रहा है। तो ये अभी मैदाने वारदेक से ना हम जब निकले हैं, तो अभी जार्सलेन करके एक दूसरा प्रोविंस छोटा सा पड़ता है, इस रोड पे ट्रैवल करना आज से कुछ साल पहले इम्पॉसिबल था। दुनिया का सबसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड इसको बोला जाता है अभी भी। रीजन क्योंकि हर जगह आज के टाइम पे आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में हर जगह पे तालिबान का राज है। पूरा ये मैदान है, इस पूरे मैदान में जितने भी तालिबान लोग शहीद हुए हैं अपने इस जंग में वॉर में, उनके मेमोरी के लिए ये सारा कब्रिस्तान यूज़ किया गया है। तो ये जितने बड़े बड़े आपको कब्र, ये जो इनके तालिबान के मेन कमांडर हुआ करते थे उनके ये कब्रगाह है। इतना ज़्यादा पत्थर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये नॉर्मल पत्थर है, बट भाई ये नॉर्मल पत्थर नहीं है, ये किसी न किसी एक तालिबान के बंदे की कब्रगाह है। इसमें कोई छोटा होगा, कोई बच्चा होगा, कोई बुजुर्ग होगा, इतनी औरतें होंगी, जेंट्स होंगे, हर एक उस शख्स को इस जगह पे दफनाया गया है। भाई जंग एक ऐसी चीज है ना, कहते हैं कि किसी के हाथ में कुछ नहीं आता है। एरिया में रहने वाले बच्चे हैं सारे तालिबान के बच्चे हैं। कैसे हो? तो अभी फिलहाल ये पढ़ाई वगैरह तो नहीं करते क्योंकि तालिबान ने भाई स्कूल वगैरह तो अभी बंद करके रखा हुआ है, बट ये बच्चे आगे तो अफगानिस्तान के ये फ्यूचर हैं, आगे चल के भाई इन्हीं के हाथों में अफगानिस्तान का पूरा कारोबार होना है इंशाल्लाह। रोड पे तो अभी मरम्मत कर दिया गया, बट यहाँ पे पूरा तालिबान इसको भाई उड़ा देता था। जितने आसपास के विलेज हैं ना
इन विलेजेस में तालिबान लोग यहाँ पे छुपा करते थे उस टाइम पे, और जितने भी अमेरिका के टैंक वगैरह सोल्जर्स वगैरह यहाँ से गुजरते थे तो यहाँ पे एक बुस्का करके ये लोग बम बनाते थे यार। उस बम को यहाँ पे ये लोग नीचे टैंक इसमें बंकर के नीचे रख देते थे, और जैसे ही बड़ा कारवां गाड़ी गुजरती थी यहाँ से फिर उसको ये ब्लास्ट कर देते थे। ये हैं मवेशी जो कि नोमैडिक पीपल होते हैं जिनको जिप्सी बोला जाता है। तो अफगानिस्तान में आपको कई ढेर सारे इस तरह से जिप्सी लोग मिल जाएंगे जो एक जगह से दूसरे जगह हमेशा मूव करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो ये पूरा इलाका एक्चुअली उन्हीं का है। कोई वाइट कलर का है, कोई ब्लैक कलर है, कोई रेड कलर है। तो मेनली जो इनका यूज है ना वो है मीट के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? हिंदू थोड़ा थोड़ा उर्दू ना पख्तो पख्तो। आप तालिबान से हैं? हाँ। वो आप तालिबान से हैं? ओके ओके ओके। दहरी। तो ये भी तालिबान से बिलोंग करते हैं, तो हर कोई उसी से ताल्लुकात रखता है। तो इनका भी पूरा पहनावा अगर आप देखोगे जैसे एक टिपिकल तालिबान का जो पहनावा होता है ना वैसा ही इनका वेशभूषा है। तो तालिबान की ये जो टोपी है वो कुछ ऐसी होती है। इनका हेयर स्टाइल देखिए क्या लाजवाब, कितने हैंडसम लग रहे हैं। भगवान के बच्चे हैं सारे ये। कैसे हो? शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो ये सारे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, आप देखो सब सारे प्यारे खूबसूरत अफगानी बच्चे। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये अपने सारे भाई इस जारलेस गांव के खूबसूरत प्यारे प्यारे बच्चे, अफगानिस्तान के यही भाई फ्यूचर हैं। तो ये जारलेस जो विलेज है ना पॉपुलर है अपने सेब की खेती के लिए। बट अफगानिस्तान के सेब की खेती कैसी होती है आप ये देख सकते हो। इतना छोटा पेड़ है बट फल काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। अभी काफ़ी कच्चा है ये, बट जो गुच्छे हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं यहाँ पे। तो एक सेब तो तोड़ना बनता है। ये देखिए हमने एक सेब भाई अब चुरा लिया है। अब हमको अगर तालिबान ने पकड़ा तो भाई शूट कर देंगे, तो बेटर है कि मैं यहाँ से भागूँ। और सेब तो हमने ले लिया हुआ। अरे भाई काफ़ी खंडहर है यार। जालरेज डिस्ट्रिक्ट के जालरेज विलेज के पास रोड पे ही ना हाईवे पे सेब का पूरा मार्केट बाजार लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? उर्दू थोड़ा थोड़ा बोलते हैं? नहीं। ओ कोई बात नहीं भाईजान। अप्रिकॉट मिलते हैं इधर भी, पीच मिलते हैं। पीच? हाँ हाँ पीच। ओके, अच्छा पीच, ये पीच है? पीच है। ओके। ये भी आलू है? आलू आलू आलू। ये सब कुछ प्रोडक्ट जल्दी डिस्ट्रिक्ट के हैं। द प्राइस ऑफ एप्पल इज अराउंड 170 अफगानी। हाँ, फॉर हाउ मेनी केजी? वन मन, वन मन, वन मन मींस 7 किलो। छोटे छोटे पीच अलग से हैं, ये पके हुए हैं कुछ। तो अफगानिस्तान में फ्रूट्स किस तरह से बिक रहा आप देखिए, मतलब इनकी क्वालिटी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा यार अच्छी है। हमने ये एक बॉक्स ले लिया, ये ऑलमोस्ट 7 किलो है और 300 रुपये का ये बता रहे हैं। छोटा सा क्यूट सा बच्चा भाई। वाह 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 माशाल्लाह। ये जो डिजाइन है ना इसको बोलते हैं कास्मिक गर्दन भाई। तो ये लो टेस्ट करो भाई को, दो दो मुझे। अब खाते हैं, कैसे खाएं? डायरेक्ट बिना छिलका निकाले? तो बिना छिलका निकाले खाना। जूसी है, मतलब अफगानिस्तान में खाना खाओ ना खाओ फ्रूट जरूर खाओ। Very tasty. Hindustan, I love you. Afghanistan, I love you too. Wait, wait, bro. Oh, bro, you see, he far. भाई ये लाइव आप देखिए तालिबान के जो कमांडोज हैं हमारे सामने भाई गोलियां दाग रहे हैं, फायर कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है हमें, पहली बार मैं मिला हूँ ऐसे तालिबान के किसी फाइटर से। बाइक पे कंबल वगैरह है कि अभी इनको रास्ते में ठंड लगे, रात को कहीं रुकना पड़ जाए तो ये कंबल में आराम से सोते भी है। आप सोते हैं रात को? आप देखिए तालिबान का झंडा अफगानिस्तान में इंटर कर चुके हैं, और अफगानिस्तान में कोई भी इंटर करता है तो उसके पास ये औजार तो जरूर होना चाहिए। रियली आई थिंक बचपन में शायद इस तरह के की चीज़ों से हम खेला करते थे जो कि खिलौना हुआ करता था, बट ये असली है। AK-47 और आप सोचिए एक बार में एक फायर और एक बार में 30 फायर, ये भी हम इससे कर सकते हैं। आप देख सकते हो वाकई काफ़ी वजन है यार, मुझे अभी बिलीव नहीं हो रहा है। तो बस रिक्वेस्ट किया, ये जा रहे थे अपने आई थिंक सफ़र पे, को रोका, अपनी गन तक इन्होंने दी, जो कि आप सोचो कोई ऐसा अपना औजार नहीं देगा। हमने एंट्री ले ली हुई है इस बामियान वैली में,
जो कि अफगानिस्तान का सेंट्रल लोकेशन बोला जाता है। ऑलमोस्ट आई थिंक इस पूरे माउंटेन को आप देख रहे होगे ना, 8200 फीट के आसपास की ऊंचाई पे एलिवेशन है इसका। और यहाँ पे जो लोकल लाइफ है ना अफगानिस्तान की, विलेज लाइफ यार, वो वाकई आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इतना ज़्यादा साफ है पानी यार, क्रिस्टल क्लियर वाला हिसाब किताब है। ये पहाड़ के पास है और हरा भरा है काफ़ी, कितना नेचुरल पानी भाई, काफ़ी ज़्यादा ठंडा। ओ माई गॉड, आप ये देखो भाई, काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम होता है। अब आप सोचिए समर के टाइम पे हम आए हुए हैं तो इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है, अगर यहाँ विंटर के टाइम पे आप आओगे ना, पूरा ये इलाका बर्फ़ से ढका हुआ होता है। कैसे हो भाईजान? ओ अच्छे हो, आपका नाम क्या है? अली रिजा। आप पढ़ाई करते हैं? तालीम लेते हैं? अभी कहाँ जा रहे हैं? अपने गाँव जा रहे हैं, घर? आप अपने घर हमको ले चलेंगे? कोई बात नहीं। तो मेरा हो बस ना, मेरे भी खराब हो गया, खराब बचा। तो भाई की गाड़ी देखिए, इन्होंने अफ्रीका के स्टाइल में इसको कन्वर्ट किया हुआ है। शुक्राना जी, बारह रास्ता ना बता दी गई उधर ने। बोलो ब्रो, तो बोलो ब्रो, आज ये बसदार बखो नहीं जी, कई रास्ता में था ना, नहीं तो ना, ये मुश्किल नहीं, सही रास मोटर मेरा मोटर है, करो तरह करो। अस्सलाम वालेकुम। ओ अस्सलाम वालेकुम, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अस्सलाम वालेकुम। बस शुक्राना। हिंदुस्तान बॉम्बे, हिंदुस्तान। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। विलेज में लकड़ी वगैरह कैसे कटती है आप देखिए, ये काफ़ी बड़ी मशीन है एक्चुअली, तो ये रोलर है, और जैसे हमारे यहाँ हम भूसी वगैरह यूज़ करते हैं ना, ये लकड़ी का बुरादा, तो ये काफ़ी यूज़ होता है, और लकड़ी की जो क्वालिटी भी है ना वो काफ़ी अच्छी है। दिस फ्रॉम वेयर? फ्रॉम, आई एम फ्रॉम, नो नो, ये लकड़ी कहाँ से आता है? यहाँ का बामियान का लकड़ी? बामियान करे, बामियान का लकड़ी। ओह, द वुड इज बामियान। बामियान, ओके ओके। और फिर यहाँ से दूसरी जगह जाता है, इसको काट के दरवाजा बनाते हैं, दरवाजा, खिड़की, खिड़की। मेड इन बामियान। ओह, वो द खुद शहर बामियान, सिटी बामियान, एंड मेड इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। शुक्राना यार, अच्छी चीज क्या है ना कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, अगर उनका आप चेहरा देखोगे तो अपने भूटान और तिब्बत इन सब एरियाज के जो लोग हुआ करते थे ना, उनके चेहरों से काफी मिलता जुलता है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, वो हजारा ट्राइब से बिलोंग करते हैं, बट मोस्टली पारसी या पश्तो भी कुछ लोग बोलते। तो आप बोलते हैं पश्तो या पारसी? ताजिक। सो योर दादा केम फ्रॉम ताजिकिस्तान? ओके, गुड गुड। बट आप तो हमारे हिंदुस्तान की तरह लगते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि भाई इनका जो मुल्क था वो वैसे ताजिकिस्तान के लोगों के मुल्क से ताल्लुकात रखते हैं। तो ये इस गांव का नजराना है भाई, कितना खूबसूरत विलेज है, आप खुद देखिए। तो ये बामियान की लकड़ियां हैं जो पूरे अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में, प्रोविंसेस में जाती हैं। तो इसको काट के ये लोग दरवाजा, खिड़कियाँ, जंगले, बिस्तर, बेड, ये सब बनाते हैं। अब यहाँ पे जो घर है आप देखिए, पूरा मिट्टी का बना हुआ है। अब ये पूरा माउंटेन है, आप सोचिए सिर्फ मिट्टी का, बट ये छोटा सा जो एरिया आप देख रहे हो अभी तो सूखा हुआ है, यही जब बर्फ़ जम जाता है ना तो यहाँ पे पानी वगैरह बहता है, जिसकी वजह से पूरा नदी का रूप है आप देख सकते हो। और लकड़ियों को, इसी लकड़ियों को काट के ये लोग खाने वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। अब आप सोचिए यहाँ पे कोई बिजली नहीं है, यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, कोई टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, तो एक नोमैडिक लाइफ जो है ना अफगानिस्तान के विलेज की, वो वाकई इस विलेज में आप देख सकते हैं। ऊपर लोगों ने भाई घर बना के रखा हुआ है। दुनिया में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है ना, उस चीज़ पे पहुंचने के बाद वो चीज़ें उतनी ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत आपको देखने को मिलती हैं। और वाकई अफगानिस्तान के इन छोटे छोटे विलेजेस में आने के बाद ये चीज़ मुझे फील हो रहा है, मैं अभी भी ये सोच नहीं पा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा मुझे कि वाकई इस तरह की लाइफ, नोमैडिक लाइफ, अफगानिस्तान के इस तरह से वीरान सुनसान डेजर्ट में, आप सोचिए जहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास है, वहाँ पे कैसे लोग रहते होंगे। अब आप देखिए यहाँ पे इनके घर में, आई थिंक अंदर तो हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये अलाउ नहीं करेंगे, वरना इन्होंने इस डेजर्ट में भी अंदर अलग अलग तरीके का पेड़ पौधा लगाया हुआ है। अब मिट्टी का इन्होंने बनाया हुआ है, और पानी वगैरह के लिए इन्होंने इस तरह से पाइप, जैसे हम लोग भाई जुगाड़ करके यूज़ करते हैं ना, इन्होंने ये पाइप वगैरह लगा के रखा हुआ है। अब मैं आपको अपने अफगानी बच्चों से मिलाता हूँ। भाई चश्मा तो देखो मेरे भाई जान का, अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह, चश्मा भाई, क्या चश्मा है, देखो कितना क्यूट लग रहा है, इसकी स्माइल तो देखो भाई साहब, मतलब कहते हैं ना, ओ माय गॉड हाँ, कितना क्यूट लग रहा है यार, कितना प्यारा लग रहा है, मतलब देखो कितना अच्छा लग रहा है ना भाई, कितना, मतलब देखो इसका
अपने आप में स्वैग, एक देसी स्वैग अंदाज में भाई अफगानी बच्चा बैठा हुआ है, देखो कितना मुस्कुरा रहा है माशाल्लाह। योर नेम, आपका नाम क्या है? नामा, नामा अनवर शो। अनवर, अनवर शो। ओ अनवर शो, अच्छा लगा आपसे मिलके। आपका गांव बहुत प्यारा खूबसूरत है। वेरी गुड। तो भाई पुराने टाइम पे जैसे हम लोग पानी को स्टोर करते थे ना, तो यहाँ पे भी अफगानिस्तान में देखिए पानी को स्टोर करने का ये तरीका है। तो ये इन्होंने लकड़ी को इस अपने दीवार में घोस दिया हुआ है और उसमें इस तरह से पानी के कंटेनर्स को पानी इसमें भरा हुआ है और इस तरह से टांग के रखते हैं। तो पानी आप सोचिए यहाँ पे मिलना काफ़ी मुश्किल है। तो ठंडी के टाइम पे तो पानी यहाँ पे इजी होता है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी से पानी ऊपर पहाड़ों से बह के भाई यहाँ पे गुजरता है। फिलहाल अभी क्योंकि समर का टाइम है तो पूरा ये सूखा पड़ा हुआ है। और ये सारे मेरे क्यूट से सारे मेरे बच्चे आ गए। तो गाइस, अरे क्या हो गया भाई, कहाँ चढ़ गए? अफगानिस्तान की बुलेट यानी धन्नो और उसको चलाने का जो अंदाज है ना भाई, काफी लाजवाब है। आप सोचिए इसको देख के वाकई मुझे अफ्रीका की याद आ रही है। एकदम टिपिकल उसी अंदाज में इन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ, डेकोरेट किया हुआ। डिजाइन इसका अगर आप देखोगे पीछे कैरियर, मतलब इसमें आई थिंक मैं बोलूं कि 1 टन 2 टन सामान भी इजिली यहां पे स्टोर करके ले जाएंगे। और ये अच्छी बात क्यों है पता है? इसको ये लोग यूज करते हैं इस तरह से ऑफ रोड, ऑफ बीट रोडों पे यानी माउंटेन रेंज पे। अब यहां पे भाई ट्रक आप सोचोगे कैसे लेके आओगे, तो ये क्योंकि ये गाड़ी जैसे हमारे अफ्रीका मैंने आपको दिखाया था बॉक्सर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो उसी वजह से ये इस तरह के गाड़ियों को यूज़ करते हैं और इस तरह से इसको कैरियर गुड्स के तौर पर भी यूज़ कर लेते हैं। और ये हमारे भाईजान जिनकी ये धन्नो रानी है। शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया शुक्रिया। तो आज हम बन गए आपके अफगानी ड्राइवर। आप बैठो, 10 अफगानी की दो हमको। अफगानिस्तान के लोग भी भाई इस तरह से गांव में खाना बनाते हैं। तो ये है भाई कंडी उपरी, जो हमारे यहाँ हम लोग यूज करते हैं ना। ऑलमोस्ट अफगानिस्तान का जो कल्चर है, जो विलेज लाइफ है, वो अपने इंडिया हिंदुस्तान के विलेज लाइफ से काफी ज्यादा मिलता जुलता है यार, है ना। आप खुद देखो, यूनिक चीज दिखानी थी। वाकई गाइस मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि अफगानिस्तान के डेजर्ट में भी सेब उगाया जा सकता है। और सेब रियली, सो दिस इज यूनिक वैरायटी ऑफ एप्पल स्पेशली इन अफगानिस्तान व्हिच कैन ग्रो इन डेजर्ट एरिया। रियली रियली वेरी इजीली बट इट इज वेरी टेस्टी। तो है पूरा घर मिट्टी का लेप इन्होंने लगाया हुआ है पूरा। आप ये देखिए सारा, मैं इसको छुड़ाने की कोशिश करूँगा, छूट जाएगा। और दरवाज़ा इन्होंने यहाँ पे लकड़ी जो होती है ना उसी को काट के इन्होंने बनाया हुआ है। लग रहा है घर काफ़ी यूनिक है, काफ़ी नया है भाई। तो ये है इनका घर, ऊपर थोड़ा सा सीमेंटेड इन्होंने बाहर से इसको कर दिया हुआ है, बट ऊपर जो मुझे दिख रहा है ना पतरा आई थिंक इन्होंने यूज़ किया हुआ है, यही लकड़ी का पूरा शेड बनाया हुआ है और उसके ऊपर इन्होंने बाहर से सीमेंट वगैरह कंक्रीट को यूज़ करके प्लास्टर कर दिया हुआ है। ऊपर कुछ फैमिली है, बच्चे हैं, यहाँ की जो लोकल लाइफ है वो। तो पानी की दिक्कत होती है, तो पानी को स्टोर करने के लिए ये इनकी टंकी है। अब इसी टंकी से पूरे घर में पानी खाने पीने धोने इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए भाई, चिकन भी दिख गया, गधा भी दिख गया और एक टिपिकल जो नोमैडिक लाइफ होनी चाहिए वो यहाँ पे दिख रही है। तो बामियान बुद्धा स्टैचू जो था उसी के बाजू में ये है बामियान विलेज, जो कि अपने नोमैडिक विलेज अफगानिस्तान के अफगानी विलेज के लिए जाना जाता है। यहाँ पे रहना बहुत ही टफ टास्क है। आप सोचिए हम एसी वगैरह में रहते हैं फिर भी हम कई बार अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बट यहाँ पे आप सोचिए पानी की दिक्कत, खाने की दिक्कत, यहाँ तक कि बिजली नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, फिर भी लोग कैसे रह रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये पूरा इलाका जितना भी आप देख रहे हो, पूरा इलाके में रहने वाले लोग सब कोई तालिबान से बिलोंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो? बढ़िया हो माशाल्लाह, आप बहुत प्यारे लग रहे हो। तो ये था ना भाई टिपिकल लोकल नोमैडिक ट्रांसपोर्टेशन, अभी भी मौजूद है। आइए आप जरूर बामियान सिटी, आपको आना पड़ेगा भाई। टिपिकल तरीके से भाई लोकल लाइफ है यहाँ की। हर जगह मैंने देखा कि तालिबान के जो भी कमांडर हैं वो हर जगह यहाँ पे आपको मौजूद दिख जाएंगे गन वगैरह लेके, और हर जगह तालिबान का फ्लैग झंडा भी दिख रहा है। गाइस ये था पूरा आज का दिन, आई होप आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा। जैसा भी आपको लगा है प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, और यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए और यूँ ही ट्रैवल करते रहिए पूरा सेंट्रल एशिया, फिलहाल हार्ट ऑफ एशिया अफगानिस्तान।